रोली कितनी भारी हो तुम, कितनी भारी हो रोली, कितना खाती हो तुम। आह मेरी कमर, तुम्हें उठाते उठाते तो मेरा वजन कम हो जाएगा। अच्छा तुम्हें अपनी कमर की पड़ी है, वहाँ मेरी बहन जिंदगी और मौत से लड़ रही है, मैं घायल हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। चलो चुपचाप मुझे उठाकर लेकर चलो, उठाओ। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, दिखने में नहीं है लेकिन बोन्स हैवी है, बोन्स हैवी नहीं है। मुक्का मार दे एक दीवार में, मतलब मुक्का मार के वो पहले मिथुनदा कील नहीं ठोकते थे ऐसे करके, कर सकती है अभी भी। सास बहू और बेटिया जब पहुंचा ससुराल सिमरका के सेट पर, तो आज हॉस्पिटल में सीन फिल्माया जा रहा था। अरे भैया ये भारद्वाज परिवार को तो देखिए, जितने अस्पताल में लोग और मरीज नहीं होंगे उससे ज्यादा तो इनके घर के मेंबर्स हैं, जो आज एक साथ पहुंचे हैं अपने घर की दोनों घायल बहुओं को अस्पताल लेकर। लेकिन ये हाल हुआ कैसे? शैतान से लड़ने के पीछे रोली को काफी चोट आ जाती है और उस चक्कर में रोली की हालत देखकर सिमर बेहोश हो जाती है, देन वी रश टू द हॉस्पिटल। दरअसल बात यह है कि इस बार सिमर ने अकेले नहीं बल्कि रोली के साथ मिलकर शैतान का सामना किया है, लेकिन शैतान और पाताली की डबल ताकत ने इन दोनों बहनों की लाइफ में ट्रबल ला दिया है और सीधे रोली सिमर अधमरी हालत में अस्पताल पहुंच चुकी हैं। अब भाई इन दोनों बहनों का ऐसी हालत में भी प्यार तो देखिए, ऐसी मरती हुई हालत में भी रोली अपनी बहन से मिलना चाहती है और इसीलिए सिद्धांत उसे उठा के लेकर आए हैं। बेचारी रोली अपनी बहन सिमर की हालत देखकर फूट फूट कर रो रही है और रोते रोते बेहोश हो गई। So basically, I'm dying. दीदी पहले मर जाती है, फिर मैं दीदी को जाके ऐसे 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 करती हूँ, कुछ नहीं होता, फिर मैं माता रानी को जाके प्रे करती हूँ कि दीदी को बचा लो, दीदी को बचा लो, चाहिए तो मेरी जान ले लो। और माता रानी भी सेंटी हो जाती है, चल दे दे, चल दे दे, तू अपनी जान दे दे, दीदी को तेरी बचा लिया। अच्छा तो यहाँ जान का एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, सिमर की जान के बदले शैतान रोली की जान ले जाएगा, मतलब इस मौत के साथ रोली यानी अविका गौर कह देगी शो को अलविदा। वैसे भी सीरियल में कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स आना बाकी है, जो आपको बताएगा आपका फेवरेट सीरियल सास बहू और बेटियां। मुंबई से लतिका पंडित के साथ आज तक ब्यूरो।